महराजगंज कस्बे के रहने वाले 75 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षक व समाज सेवी श्यामाचरण अवस्थी का कल शाम लगभग 6 बजे जीनों पर चढ़ते समय पैर फिसल कर गिरने से सर पर गहरी चोट लग गई। परिजन उन्हें आनन फानन लखनऊ के ट्रामा सेंटर ले गए, जहां डॉक्टरों ने ब्रेन हेमरेज बताया और इलाज के दौरान उनका निधन हो गया, जिनके निधन पर पूरे क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त हो गई है। क्षेत्र के अनेक गणमान्य और संभ्रांत लोगों ने उनके पैतृक आवास पर पहुंचकर शोकाकुल परिवार से संवेदना व्यक्त की तथा 2 मिनट का मौन रख सभी ने श्रद्धांजलि दी। कस्बे के रहने वाले 75 वर्षीय श्यामाचरण अवस्थी शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते थे। उन्हें हिंदी साहित्य का प्रकांड विद्वान भी माना जाता था। आपको बता दें कि 1944 में जन्मे श्यामाचरण अवस्थी ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ब्लॉक क्लर्क, सचिव साधन सहकारी समिति, लेखपाल चकबंदी तथा शिक्षक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करते हुए समाज को एक नई दिशा देने का काम किया और उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करते हुए सन 2007 में प्रधानाचार्य के पद से प्राथमिक विद्यालय राघवपुर से सेवानिवृत्त हुए। इस दौरान उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए कई बार सम्मानित भी किया गया, जिनकी अंत्येष्टि डलमू गंगा घाट पर हजारों शुभचिंतकों की उपस्थित के बीच की गई। जिनके निधन पर आज जिला पंचायत सदस्य प्रभात साहू, भाजपा विधायक राम नरेश रावत, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष दिलीप यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष रामदेव पाल, भाजपा नेता अतुल सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता विद्यासागर अवस्थी, वरिष्ठ भाजपा नेता रामशंकर वर्मा, पूर्व विधायक राजा राम त्यागी, महराजगंज मंडल अध्यक्ष सरदार फत्ते सिंह, शिक्षक प्रेम शंकर मिश्रा, समाज सेवी बाल किशोर त्रिपाठी, राम कंकन गुप्ता, डॉक्टर एम डी पासी, पूर्व चेयरमैन राजेश रस्तोगी, समाज सेवी पंकज गुप्ता, मुरारी गुप्ता प्रधान, संघ प्रचारक प्रतोष, डीबी सिंह आरएसएस, गायंदु आरएसएस, जगमोहन, लक्ष्मी शंकर श्रीवास्तव, ज्ञान प्रकाश जायसवाल, जगदीप रस्तोगी, अशोक रस्तोगी, राम केतार मौर्य आदि ने उनके आवास पर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की और गहरा शोक जताया है।